हेलो हाय, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। मैं सोम, मेरा चैनल ब्रेड बटर टोस्ट पे एक्टर एक्टिंग एंड परफॉर्मेंस। आज हम जिस टॉपिक में बातचीत करने वाले हैं वो बहुत ही एक सीक्रेट टॉपिक है। जैसे हमारे इंडिया के जो आम आदमी हैं, जनता हैं, उनके मन में ये क्यूरियोसिटी है, स्विस बैंक में कितना पैसा है हमारे इंडियन पॉलिटिशियन और बिजनेसमैन का, या मतलब थोड़ा बहुत मिल जाता तो हमें आईफोन 6 तो खरीद लेते। वैसे ही जो एक्टर्स हैं जिन्होंने एनएसडी कभी नहीं किया, या एनएसडी को बाहर से देखा, या एनएसडी घूमने गए हैं, उनके मन में ये सवाल होता है कि एनएसडी के अंदर क्या होता है। हाँ यार, क्या होता है एनएसडी के अंदर, मतलब क्या ही होता होगा कि वहां से इतने महान एक्टर्स निकले जिन्होंने एक्टिंग की परिभाषा ही बदल दी। चलिए आज हम एक टूर करते हैं एनएसडी के 3 साल में हम क्या क्या पढ़ते हैं और कितना मस्ती करते हैं। मेरा सिलेक्शन हो गया एनएसडी में। ओ, 6 महीने तक तो यही रियलाइज होता रहा कि एनएसडी में सिलेक्शन हो गया, नहीं हुआ। अच्छा, सच में हो गया, सपना तो नहीं है ये, समझ नहीं आया। क्योंकि 6 महीना तो देखते देखते गुजरता है कि अच्छा, एक्टिंग करने के लिए ये भी सीखना है, वो भी सीखना है, ये भी सीखना है, वो भी सीखना है, ये भी सीखना है और ये भी सीखना है। कितना कुछ है सीखने के लिए, 3 साल में पूरा सीख पाऊंगा? चलो सीखना शुरू करते हैं। शुरू के 6 महीने में थोड़ा वो भरत मिलाप करते हुए धीरे धीरे अपने बैचमेट्स को जानना, फिर अपने सीनियर्स को जानना, जो थोड़ा सुपर सीनियर है उनको जानना। हाय, आप कहाँ से? ओ, आप महाराष्ट्र से हैं? अच्छा अच्छा मैं तो कोलकाता से हूँ। और आप कहाँ से? अच्छा, आप राजस्थान से हैं? वाह वाह, राजस्थान बहुत बढ़िया। मैं कोलकाता से हूँ। आप कहाँ से? ओ, आप आसाम से? बिल्कुल बाजू में, हमारे बाजू में ही तो है। नहीं नहीं, मैं बंगाल से नहीं हूँ, मतलब बंगाल से हूँ, मतलब कोलकाता से हूँ, बंगाल के अंदर से नहीं हूँ, वो गाँव से नहीं हूँ, मैं शहर से हूँ, कोलकाता। तो जैसे हम जाते हैं ना तो बड़ा मजेदार होता है माहौल, अब एनएसडी तो, और फिर क्यूरियोसिटी होता है। अच्छा, इरफान खान साहब कहाँ योगा करते थे? हाँ, इस पेड़ के नीचे। और नवाजुद्दीन सिद्दीकी वो कौन से बाथरूम में जाते थे? वो वाले बाथरूम में जहाँ पे मैं आने के बाद गया था। और पीयूष मिश्रा जी वो कहाँ खाना खाते थे? मैंने सुना यही खाना खाते थे। और शाहरुख खान के पापा यही काम करते थे। मतलब ये गमछा पंकज त्रिपाठी ने नाटक में पहना था? Oh my God! तो अब शुरू के 6 महीने जो है वो तो ऐसे ऐसे देखते देखते समझते समझते गुजर जाता है, लेकिन उसके अंदर क्लासेस बिल्कुल टाइट क्लासेस हैं। सुबह 8 बजे से शाम के 6 बजे तक, 8 बजे से 9 बजे सुबह योगा क्लास या तो फिर मूवमेंट क्लास। दिनों में बहुत मुश्किल होता है, ठंड के दिनों में सुबह क्लास में जाना पड़ता है, नहीं तो अटेंडेंस का चक्कर है, 75% अटेंडेंस, नहीं तो सारे स्कॉलरशिप काट जाएंगे। फिर फर्स्ट ईयर में 75% थियोरिटिकली काम होता है, जैसे कि क्लासिकल इंडियन ड्रामा, मॉडर्न इंडियन ड्रामा, वर्ल्ड ड्रामा, थिएटर आर्किटेक्चर, कभी कभी गेस्ट लेक्चर भी होता है अलग अलग सब्जेक्ट के ऊपर, टॉपिक्स के ऊपर। म्यूजिक क्लास है अलग से, 10 से 1 बजे तक की क्लास है, वहां पे हम थ्योरीज पढ़ते हैं। उसके बाद 2 बजे से 1 बजे के बाद लंच ब्रेक होता है। एनएसडी का जो मेस है ना वो बहुत ही मजेदार है। वहां पे सारे स्टूडेंट आ जाते हैं, जब खाना खाना होता है और सब एक दूसरे से मिलते हैं और चलता ही रहता है, चलता ही रहता है। और उसके बाद फिर 2 बजे हमारे जो मेस के अन्नदाता है, जो 5-6 मेस के कर्मचारी है, ओ यार माशाल्लाह बहुत अच्छे, मम्मी पापा जैसे बिल्कुल प्यार से खाना खिलाते हैं, लेकिन खाना आपको खुद लेके खाना पड़ता है, वो बनाते हैं। क्लास का टाइम हो गया, चलते हैं। उसके बाद शुरू होता है क्लास, जिसमें हम फर्स्ट ईयर में सीनिक कंस्ट्रक्शन सीखते हैं, मतलब सेट डिजाइनिंग का काम, जो आप एक सेट को कैसे बनाए, पहले जो एक सेट जब आप नाटक के सेट बना रहे हैं तो उसके लिए आपको क्या मेजरमेंट लेना जरूरी है, कौन से इंस्ट्रूमेंट यूज करना जरूरी है, कैसे आप एक छोटा सा सेट डेमोस्ट्रेशन बना सकते हैं और दिखा सकते हैं, उसका ड्राइंग कैसे करें, ये सब कुछ।
फिर मेकअप का भी क्लास होता है कि अगर आपको स्टाइलाइज मेकअप करना है कैसे करना है, रियलिस्टिक मेकअप कैसे करना है, एज को कैसे डेवलप करना है, अलग अलग। फर्स्ट ईयर में जैसे कि अभी के टाइम पे 26 लोगों का एडमिशन होता है, तो 26 लोग भारत के अलग अलग कोने से आते हैं। और जैसा कि NSD दिल्ली, वहां पे हम हिंदी में बातचीत करते हैं, पढ़ाई सब कुछ हिंदी में है, तो आप एक्सट्रीम साउथ से, एक्सट्रीम नॉर्थ से, ईस्ट से जो लोग आते हैं, मणिपुर हो, आसाम हो, या कर्नाटक हो, केरल हो, वहां से जो लोग आते हैं पढ़ने के लिए, उनके लिए मुश्किल होता है हिंदी को एडॉप्ट करना, हिंदी में बातचीत करना, हिंदी पढ़ना। तो इसके लिए हिंदी के क्लासेस हैं। ये जो सारे क्लासेस होते हैं फर्स्ट ईयर में, फर्स्ट ईयर में दो सेमेस्टर है, फर्स्ट सेमेस्टर एंड सेकेंड सेमेस्टर। सो फर्स्ट सेमेस्टर में अगर हमने ये सीखा तो सेकेंड सेमेस्टर में उसका थोड़ा आगे सीखते हैं सब चीजें। इसमें क्या शक है? तो कर लो, कहीं कोई दूसरा मर्द तुम्हारे पति का रूप धरकर तो नहीं आया? बुध चौकी सुहाग सेज पर बैठे मानुष को सर से पांव तक गौर से देखा। एक पति वो छोड़ गया जो एकने की सच्ची प्रीत जी। एक पति वो छोड़ बीच बीच में ऐसे कहीं बाहर से अगर कोई टीचर आते हैं या फिर कोई डेमोन्स्ट्रेशन होता है, तो कभी कभी ये होता है, डेमोन्स्ट्रेशन भी होता है, अलग अलग सिंगिंग के ऊपर डेमोन्स्ट्रेशन होता है, बॉडी मूवमेंट के ऊपर डेमोन्स्ट्रेशन होता है। तो एक ही सब्जेक्ट पे बहुत सारा तरीका है करने का। जैसे लाइट डिजाइनिंग की क्लासेस होती है फर्स्ट ईयर में, बेसिक क्लास ऑफ लाइट डिजाइनिंग, एक्टिंग के ऊपर छोटे छोटे डेमोन्स्ट्रेशन क्लासेस, ये तो होता ही रहता है। और ये जानते हुए जीना क्या समय, ये मर जाएंगे, ये बड़ी बेतुकी बात है। इसके मायने हैं क्या है जानती हो? जनरल पैथोलॉजी किस चीज़ का, हमें बताया तुम्हें? एक महक बिखेरती कहानी, अपनी उदासीनता और विचार मग्नता दिखाने वाली कहानी। क्या हुआ? तारा है? किसका तारा है? कहां से आया है? सर्दी, भूख और दिन रात की मेहनत बर्फ के पहाड़ की तरह उनकी आत्मिक उन्नति के सारे रास्ते बंद कर देती है, और ये सिलसिला सैकड़ों वर्षों से ऐसे ही। बाकी फर्स्ट ईयर में प्रैक्टिकल करने के लिए जब हम क्लासिकल इंडियन ड्रामा पढ़ते हैं, तो पढ़ते पढ़ते वहां पे कोई एक नाटक लिया हमने, तो उसके ऊपर हमने क्लास वर्क किया। जिसकी जांगे तोड़ी छल से, कर नहीं मैं शिथिल शस्त्र जिसके निकले निष्फल से, द्रोण पुत्र मैं अश्वत्थामा, धनु टंकार रहा हूं। वॉइस एंड स्पीच के ऊपर काम होता है फर्स्ट ईयर में, बॉडी लैंग्वेज के ऊपर बहुत सारा काम होता है। बाकी ऐसे देखते चलते हुए, सबको समझते हुए लगभग गुजर गया फर्स्ट ईयर। फर्स्ट ईयर के आखिर में जाके एक प्रोडक्शन होता है, और वो प्रोडक्शन बाहर से कोई एक रिनाउंड थिएटर डायरेक्टर आते हैं और आके वो प्रोडक्शन करवाते हैं। 40-45 दिन का टाइम होता है, और 40-45 दिन में हम उनके साथ प्रोडक्शन करते हैं, रहते हैं। तो फर्स्ट ईयर में तो सारे लोग इकट्ठे क्लास करते हैं, बेसिक्स नॉलेज गेन करते हैं। अब हम छुट्टी होता है, अच्छा
और एक चीज है, जब भी हम एनएसडी में जाते हैं तो उसके बाद एक टूर होता है, ये सब इकट्ठे मिलके दिल्ली का एक टूर करते हैं, पुराने दिल्ली में जाते हैं, वहां के जो पुराने आर्किटेक्चर हैं, वहां के जो पुराने चीजें हैं, लोग हैं, तो वहां के हिस्ट्रीज के बारे में जानते हैं, वहां किस तरह के कल्चर हुआ करता था दिल्ली में, और वहां के जो बिल्डिंग्स हैं उसके आर्किटेक्चर के बारे में जानते हैं। फिर एक आगरा टूर भी होता है, तो आगरा जाके हम वो फतेहपुर सीकरी, जो आगरा फोर्ट है, जो ताजमहल है, सब कुछ देखते हैं और सबके बारे में समझते हैं। बेसिकली बहुत मजा होता है। उसके बाद जब फर्स्ट ईयर में प्रोडक्शन हो जाए, छुट्टी है, उस वक्त अजंता एलोरा, महाराष्ट्र में औरंगाबाद पे अजंता एलोरा, हम 4-5 दिन के टूर पे निकलते हैं। जान जाती है जब उठ के जाते हो तुम। एनएसडी में जब एडमिशन हो जाता है तो ये सारा घूमना फिरना दिखाना ये सब स्कूल की जिम्मेदारी है, कुछ खर्चा नहीं है, बस आपको साथ रहना है, सीखना है, पढ़ना है, मन लगा के काम करना है, बस। सब 3 साल तक आप अंदर हैं और मन लगा के सीखें, पढ़ें। तो हमने 1 साल एनएसडी का कंप्लीट कर लिया और हम बहुत कुछ सीख गए। अब हम घर जा रहे हैं छुट्टी में, तो मिलते हैं सेकंड ईयर में, बाय। चकार।